हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विशी ट्रिपल एट काइस कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपना इनावा कर एंड बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में हीलिंग वर्क चल रहा है आप अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो ऑल्सो लेट्स सी गाइस आपके जो भी पार्टनर uh, हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस के लिए भी है एंड uh, चलिए देखते हैं कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है ठीक है ओके okay. लगता है गाइज आपके पर्सन आज कुछ कहना नहीं चाह रहे या फिर किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं चाह ही नहीं रहे हैं कुछ बोलना ओके okay. पहला मैसेज है आपके पर्सन के नीचे के तीन चक्रास स्ट्रॉगली हील हो रहे हैं वहाँ की नेगेटिविटी हट रही है तो इस वक्त में आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि इनको या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सेक्शुअल एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी लग सकती है और यू you नो know, इस पर्सन को इनस्टेबिलिटी फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा इंस्टेबल फ़ील कर रहे होंगे एंड uh, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ऐसा पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है इस पर्सन के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है ओके पेट भी इस पर्सन का थोड़ा सा ख़राब हो सकता है ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मतलब ये सिम्टम्स हैं ये पर्सन अगर आपसे बात करते हैं तो ये आपको इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं ओके इस पर्सन को अपनी समझदारी पर बहुत शक हो रहा है आपका पार्टनर अपनी समझदारी पर बहुत शक कर रहा है किसी का पार्टनर यहाँ पर क्योंकि आपके जो पर्सन है इनको मतलब हमेशा से एक चीज़ पर बहुत कॉन्फिडेंस रहा है इनकी समझदारी को लेकर लाइक इनकी बुद्धि को लेकर या फिर लोग इनसे हमेशा बोलते होंगे कि आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है या बुद्धि का बहुत तेज़ लड़का है अरे वो तो बहुत तेज़ लड़का है बहुत तेज़ लड़की है बुद्धि बहुत तेज़ है उसकी अपने आप पर इस चीज़ का डाउट हो रहा है इस पर्सन को सेल्फ डाउट की एनर्जी है ठीक है चक्रा क्लेंस हो रहे हैं इस वजह से ये रीज़न निकल कर आया है सेल्फ डाउट की एनर्जी है यहाँ पे इस पर्सन के दो दो मन बात कर रहे हैं इस वक्त में एक मन ये कहता है दूसरा मन ये कहता है एक मन ये कहता है दूसरा मन ये कहता है एक मन कहता है ऐसा कर लो दूसरा मन कहता है ऐसा कर लो मतलब यहाँ पर दो दोहरी सलाह ठीक है जब ये पर्सन खुद के साथ बैठते हैं ना तो माइंड से एक भी क्लियर आंसर नहीं आता है ठीक है एक मन कहता है ये करना सही है दूसरा मन कहता है हट ये मत कर ये कर ठीक है ये सही है फिर दूसरा मन कहता है नहीं ये मत कर ठीक है फिर मतलब फिर से दूसरा मन कहता है नहीं ये ये कर मतलब दो 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 चीज़ें निकल कर आ रही हैं दिमाग में से दो दो जैसे इंसान पागल सा हुआ जा रहा है कि मैं क्या करूँ अखिर मैं करूँ तो करूँ क्या एक है जो इस पर्सन का इंट्यूशन हो सकता है दूसरा है जिस पर्सन की बुद्धि हो सकती है ठीक है एक हो सकता है जो पॉजिटिव है दूसरा हो सकता है जो नेगेटिव है ठीक है आप इस पर्सन को ये चूज करना है कि ये पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं या नेगेटिव लेकिन जब भी कोई काम करने जा रहे हैं तो दो दो आवाज़ें आ रही हैं मन से और इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि जब आपकी चक्रा क्लैस होते हैं ना तो आपके इंट्यूशन बहुत तेज़ी से बात करते हैं ठीक है ये पता होना चाहिए आपको कि जब आपकी चक्रा क्लैस होते हैं तो आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ी से बात करता है उसके पहले भी आपके इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं लेकिन आपकी बुद्धि जो होती है आपका लॉजिकल माइंड होता है उसकी आवाज़ बहुत ज्यादा तेज होती है तो हम लॉजिकल माइंड की आवाज को ईजली सुन पाते हैं और हमको लगता है यही हमारे मन का काम है ठीक है वहाँ एक आवाज़ होती है लेकिन जब आपके चक्र क्लैंस होंगे ना तो आपके इंट्यूशन की आवाज भी बराबर से उतनी ही तेज होगी ठीक है तो अब आपको लगेगा कि दो दो चीजें आ रही हैं मेरे अंदर से ठीक है एक इंट्यूशन होगा एक आपके लॉजिकल माइंड का आंसर होगा ठीक है ये आपको मतलब डिफरेंस करना होता है कि कौन सा लॉजिकल माइंड का आंसर है और कौन सा इंट्यूशन का आंसर है ऑफ़ कोर्स जो भी सही है दोनों में से वो इंट्यूशन का आंसर है दोनों में से जो भी गलत है वो लॉजिकल माइंड का आंसर है ठीक है ना तो ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इनको आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी इसको आपकी जरूरत ठीक है ऐसे कहते हैं ना कि आ, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में हम सोच लेते हैं कि हमें इस इंसान की कोई जरूरत नहीं है या फिर यू you नो know, हमारे लिए तो ये इंसान मैट ये ये क्या हमारे काम आएगा कई बार आपने जिंदगी में लोगों को ऐसे बोलते हुए सुनागा तुम क्या हमारे काम आओगे या ये इंसान क्या हमारे काम का है ठीक है तो ऐसे लोगों से लोग ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते लोग ज्यादा उससे व्यवहार भी नहीं बनाते बिहेवियर भी सही रखते लोग सोचते हैं ये क्या है इंसान हमारे काम में आएगा बट आपको नहीं पता कि वक्त कितना पावरफुल है ठीक है समय एक ऐसी पावरफुल यू नो वो है कि ये अच्छे अच्छों का अहंकार भी ब्रेक कर दे और कहीं ना कहीं आपको आपकी सही जगह भी दिखा दे तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना इनको ऐसा लगा हो सकता है पास्ट में कि आप इस पर्सन के कोई काम के नहीं हैं या फिर यू you नो know, ये सबके लिए मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा कुछ लोगों के पार्टनर ने उनसे ये सोचा क्योंकि मैंने बताया ना कि पर्सन अपनी बुद्धि का बहुत तेज इंसान है तो इनको ऐसा लगा कि इनके पास तो बुद्धि है इनके पास, तो पास तो बहुत अकल है ठीक है डिसीजन लेने की क्षमता है ठीक है आप थोड़े से इस पर्सन को अपने कंपेरिजन में लो लग रहे हो सकते हैं तो यहाँ पर ये पर्सन ऐसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को तो ये था कि कोई कोई दिक्कत को नहीं इनको आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली ठीक है आप संभाल लेंगे या फिर आप इनसे ज्यादा होशियार हैं मतलब आपके पर्सन ज्यादा होशियार हैं आपसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे सलाह चाहते हैं ठीक है थीके? क्योंकि देखिए इस वक्त में आपका पर्सन आपको भी वॉच कर रहा है आपको भी देख रहा है वो ठीक है आपको देख रहा है आप उसको पहले से बहुत नॉर्मल और बहुत ही बेटर दिखाई दे रहे हैं इंसान क्या करता है कंपेयर करता है ठीक है यार ये तो बड़ा नॉर्मल दिख रहा है बेटर दिख रहा है पहले से तो ये क्यों नॉर्मल है या ये क्यों बेटर है और ये तो वही इंसान था ही नहीं जो इतने नॉर्मल और इतने बेटर तरीके से बात कर सके ठीक है ना तो ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक पत्थर सा बड़ा सा पत्थर लेके अपने के ऊपर खुद पटक लिया है ठीक है वो कहते हैं खुद मारा है ठीक है ऐसा इस पर्सन को इस हो रहा है कही इस है, इन, इस फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां इस पर्सन से जो हुई हैं उसको लेकर इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इन मतलब ये चीजें सारी इस पर्सन के फेवर में कोई भी चीज आपके फेवर में हो इनसे सुनना कोई भी चीज आपके फेवर में हो और अपनी जिद में ईगो में आकर कोई भी काम को बिगाड़े काम बिगड़ने के बाद आप क्या करेंगे किसी को आप दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो काम आपकी खुद की बेवकूफी से बिगड़ा है किसी की मर्जी से नहीं ठीक है तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है कि इंसान को लग रहा है कि मैं अपना पत्थर उठाऊँ अपनी सर पर दे मारू ठीक है ना और इसको ऐसा लग रहा है कि इसने ऐसा कर लिया है ऑलरेडी स्कॉर्पियो है आपका पर्सन स्कॉर्पियो यहाँ पर जमेनाई की भी एनर्जी है ठीक है स्कॉर्पियो की एनर्जी और जमेनाई की एनर्जी है इस पर्सन की फैमिली में भी आपको बहुत जज किया गया था पास्ट में ठीक है ऐसा भी यहाँ मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे इस पर्सन की फैमिली में भी आपको बहुत स्ट्रांगली जज किया गया था ठीक है देखिए ऐसा है यहाँ पर इन यूनिवर्स एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब आपके अगेंस्ट में कोई जजमेंट पास करता है और परमात्मा देख रहा है कि मेरा बच्चा क्या है देखिए बच्चे तो सब हैं उनके ठीक है आपका पार्टनर भी उनका बच्चा है आप भी उनके बच्चे हैं लेकिन कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स वो कॉन्वर्सेशन भी सुन रहे हैं जो आपके पीठ के पीछे हो रही है है एंड उनको पता है कि आपका रियल व्यक्तित्व क्या है आपकी रियल क्या है और आपकी पीठ के पीछे बातें क्या हो रही हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है अगर ठीक है सो तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप आंसर करें इस चीज को अब आंसर कैसे करना है आंसर करने का मतलब है कि अः ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर को जाकर समझाएं कि देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या फिर आप उसको बातें समझाएं नो no, नो no, नो no, आंसर करने का मतलब है कि कुछ काम ऐसा करो कि जब लोग आपको देखें तो उनको ये रियलाइज हो कि मैंने इसके बारे में एक गलत जजमेंट क्रिएट की थी मैंने इसके बारे में गलत सोचा क्योंकि गलत तो उन सोचा है आपके बारे में लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही सोच रहे हैं ठीक है परमात्मा पता है कि आप आपके बारे में गलत सोचा गया है या फिर आप ऐसे इंसान नहीं हैं तो उन्होंने आपको एक चांस दिया है कि आप अपनी वो कहते हैं ना कि एक हमारे मोनोलॉजी का कार्ड होता है कि शो द वर्ल्ड रियल यू मोनोलॉजी में कार्ड है शो द वर्ल्ड रियल यू अपनी रियलिटी सामने रखो दुनिया के बिकॉज वो दुनिया को जज कर रही है ठीक है ना तो यहाँ पर वैसे ही मैसेज निकल कर आए जजमेंट्स मिले हैं आपको आपके इन लॉज से आप अगर मैरिड हैं तो ठीक है इस पर्सन से अगर आप मैरिज करना चाहते थे और आपके पर्सन ने आपके बाबर आपके बारे में घर पे बात की है तो जजमेंट्स मिले हैं ज़बरदस्त जजमेंट्स आप लोगों को मिले हुए हैं और अभी तक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी रियालिटी को सामने रख नहीं पाया यानी कि जजमेंट को आपने आंसर नहीं किया है और यूनिवर्स आपको तब तक ट्रांसफॉर्म करेंगे जब तक कि आप उस जजमेंट को आंसर नहीं कर देते ठीक है और इसको आंसर करने के लिए आपको उस पर्सन की तरफ नहीं जाना है ठीक है आपको काम ऐसा करके दिखाना होगा कोई भी ठीक है वो यूनिवर्सिटी करवाएंगे आपसे जो भी है ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने गलत 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 आदमी आदमी को को मतलब एक सही ठीक है ऐसा यहां पर मैसेज है पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग जलते थे आपसे ठीक है ये पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगा आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आपसे बहुत ज्यादा जल रहा था ठीक है या फिर यू नो ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे थे आपको वो प्रायोरिटी दे रहे थे आपको वो फैमिली में ऊपर रख रहे थे आपको सबसे ठीक है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जेलस फील करने लगे थे ठीक है कहते ना एवल आई ठीक है वो वाले जो लोग होते हैं ना कि वो देखते हैं कि यार ये अभी से अपने पर्सन का इतना ज्यादा हो गया आपका आपका पार्टनर अभी से आपका इतना ज्यादा हो गया आपका आपके बारे में इतना सोचता है इतनी केयर करता है या फिर आपको लेकर डिसीजन लेता है या फिर कुछ भी ठीक है तो आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में जो भी लोग थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा जेलस हुए ठीक है जेलस भेजी गई आपकी तरफ ऐसा पता नहीं कि मैसेज निकल कर आ रही कि आपका पर्सन आपको हाथों पर रखता था ठीक है ये जिसके साथ भी मैसेज रेजोनेट कर रहा है बताइएगा मतलब आपके पर्सन ने आपको एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है और बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है ठीक है लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिली वाले या जो भी हैं उन्होंने उनको बहुत जेलस फील हुआ है इस चीज से ठीक है यहाँ पर किसी के पार्टनर ने अगर अननेसेसरी डिमांड्स रखी थी आपके सामने की तुम्हें तो मेरी ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी मेरी वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी तो ही ये कनेक्शन चलेगा तो मैं ऐसे झुक के रहना पड़ेगा वैसे झुक के हुकूमत चलाने की कि अगर किसी ने यहाँ पर कोशिश की थी आपके पार्टनर ने उसके लिए भी स्ट्रांग मैसेज है कि यूनिवर्स की हुकूमत के नीचे इस पर्सन को काम करना पड़ रहा है ठीक है मतलब किसी ने अगर हुकूमत चलाई थी कि भाई तुम्हें मेरे हिसाब से ही करना पड़ेगा तुम्हें तो ऐसा ही करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा तुम्हें अपने सपने मतलब लाइक अब होते ना कि हमें हमारा ये ख्वाब है हमें ये सपने हैं और किसी ने आपसे कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल किया किसी ने या फिर आपको बस हमेशा आपसे मांगा 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 या चाहा चाह चाह ख्वाहिशें पूरी कम की सिर्फ चाह कि आप इनकी ख्वाहिशें पूरी करें ऐसे लोगों को यूनिवर्स की हुकूमत के नीचे काम करें मतलब जैसे कहते ना यूनिवर्स कोई ऑर्डर चीज़ कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते आप अब आप आपको यूनिवर्स की मर्जी का करना पड़ेगा आपको ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी का कर पाओ ऐसा यहाँ पर मैसेज है, है। कार्ड से देखते हैं आपको कार्ड्स क्या बोलते हैं प्लीज गाइड कीजिए इंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है नाइट ऑफ वस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स हम्म नाइट के दो दो कार्ड आए हैं आपके जो पर्सन है वो अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं वो अपनी खुशियों को पूरा करना चाहते हैं ठीक है अपनी खुशियों पर काम करना चाहते हैं बट यहाँ पर मैंने कहा ना जजमेंट की एनर्जी है देखिए कई बार आपको समय बड़ा मौका देता है आपकी मर्जी का काम करने का हर रास्ते आपके लिए खुले होते हैं आप जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन कई बार समय आपको रोक लेता है या फिर आपको जो आप करना चाहते हो ना वो करने का मौका नहीं मिलता या फिर आप करना चाहते हो लेकिन उस तरीके से चीजें नहीं अवेलेबल हो रही हैं तो यहाँ पर यह मैसेज कई तरीके से निकल कर आ रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आ, यहाँ पर अपनी विशेष को पूरा करना चाहता है उसको लेकर उसको ले काफी पैशनेट भी है लेकिन उसका जो समय है वो उसके फेवर में नहीं है ठीक है जब भी आप कोई काम करते हो कोई कॉम्पिटिशन निकालना है कोई एग्जाम निकालना है तो आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो माहौल वो वो चीज़ें ही नहीं मिलती कि वो प्रिपरेशन कर पाए बहुत सारे लोग के फैमिली में उनको परमिशन नहीं मिलती अब जिनके जैसे तैसे परमिशन मिल जाती है तो उनके इतना हंगामा होता है कि पढ़ ही नहीं पाता है बच्चा ठीक है कुछ लोगों को पूरा माहौल मिलता है पढ़ाई करने का मतलब जैसे वो चाहिए पढ़ाई करने के लिए वो पूरा माहौल मिलना उसके बाद एग्जाम में बैठना और उसको क्रैक करना ठीक है सबके साथ ना वो जो फेवरेबल टाइम होता है वो सबके फेवर में नहीं होता है कि मतलब सबको पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कुछ लोग बहुत मेहनत मेहनत से पढ़ पाते हैं कुछ लोगों के घर में बहुत घर छोटा है कुछ लोगों के मैं ये है कि बहुत बातचीत हो रही फिर भी बच्चा पढ़ रहा है कुछ लोगों की ये होता है कि बड़ा राजमहल टाइप है उसका खुद का रूम है आराम से पढ़ रहा है तो सबको ना हर तरीके की कंडीशन नहीं मिलती ठीक है जैसी वो चाहता है सिचुएशन वैसी नहीं मिलती ठीक है लेकिन फिर भी लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं तो वो लड़ झगड़ के पूरा करते हैं फिर ठीक है लड़ झगड़ के मतलब अपने आप से लड़ के अपने आप को समझा के अपने आप को उस माहौल में ढाल के वैसी ही एनर्जी है कि अभी टाइम बिल्कुल फेवर में नहीं है टाइम का मतलब वो है कि अभी हर चीज़ सेटल नहीं है अगर आपको कोई काम करना भी है तो लड़ झगड़ के या फिर यू you नो know, अपने आप को समझा के थोड़ा दस लोग कुछ कह रहे हैं तो उन लोगों की बातों को इग्नोर करके तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो अदरवाइज तो अभी आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं इस वक्त में जो आपसे कहें कि तुम जो चाहो करो हम तुम्हारे साथ हैं मतलब एक एक होता है हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा फेज जरूर होता है यहाँ पर उसको चीजें नहीं समझ रही लोग उसको नहीं समझ रहे लेकिन फिर भी उसको मेहनत करके अपना लक्ष्य पाना होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग आपको समझ रहे हैं लोग आपको बहुत फेवर कर रहे हैं लोग आपको पूरा टाइम दे रहे हैं पढ़ना है जितना पढ़ना है उतना पढ़ो सारी कंडीशन आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी फिलहाल नहीं है ठीक है आपके पर्सन को जो भी करना है वो या तो मतलब ये हो ना कि आप कोई चीज पाना चाहते हो तो जितना आप समझा सकते हो खुद को आप खुद को समझाकर वो चीज़ पाओ ठीक है लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं कि लोग इस वक्त में आपके आसपास के समझने वाले नहीं हैं उनको तो यूनिवर्स ने खास तौर से आपके यू नो कहते हैं ना कि जब परीक्षा लेनी होती परमात्मा को तो आपको चारों तरफ से ट्रेस टेस्ट करते थे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपको पढ़ने ही नहीं दे रहे जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं जो बहुत शोर कर रहा है घर के अंदर मतलब एक एग्जाम्पल है ये ठीक है ना ऐसी एनर्जी है यहाँ पे आप यहाँ पर पढ़ाई से ही मैसेज नहीं है ठीक है आपका पर्सन जो भी करना चाहता है जॉब बिजनेस एंड ऑल सो वो चीज है यहाँ पे तो इस तरह के जजमेंट इस पर्सन को फिलहाल में फेस करना पड़ रहा है दूसरा यहाँ पर uh... बार बार इस पर्सन के माइंड में ना कंफ्यूजन भी क्रिएट की जाती है ठीक है ना मैंने आपको रीडिंग में बताया भी था कि आपके जो पर्सन हैं उनके माइंड से दो आवाज़ें आती हैं टू ऑफ पेंटिकल्स ठीक है क्या करूं क्या करूं ये करूं कि ये करूं ये करूं कि ये करूं ठीक है एक इंट्यूशन होगा एक इस पर्सन का लॉजिकल माइंड होगा ठीक है और यहाँ पर ये दोनों की सुन रहा है ऐसे 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 कोई क्लैरिटी नहीं है अब की क्लैरिटी नहीं है तो व्यक्ति एक्शन में कैसे आए ठीक है जब कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो तुम उसके लिए एक्शन क्या लोगे तुम्हें एक बार चूज तो करना पड़ेगा कि मेरे लिए करना सही है इस चीज पर एक्शन लेना है तो जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होती तब तक एक्शन भी नहीं होता तो मतलब क्लैरिटी से एक्शन रुका हुआ है ठीक है ना ओके okay. यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स लेकिन इंसान के अंदर जिद इतनी है कि उसको अपनी चीज़ें पूरी करनी है उसको मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार समय निकल जाएगा मैं ट्वेंटी फ़ोर का हो गया ट्वेंटी फाइव का हो गया मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना है तो वो वाली एनर्जी भी इस पर्सन की है कि आ, मुझे जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करनी है टाइम निकल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है तो इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन बड़ा ही मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है देखते हैं आपके बारे में और क्या सोच रही है पर्सन आपको लेकर भी ये पर्सन बड़े कंफ्यूज हैं ठीक है टू ऑफ फॉन्स की एनर्जी है यहाँ भी इस पर्सन के पास दूसरी कोई चीज़ है जो अवेलेबल है एक मन कह रहा है ये वॉन्ड पकड़ो दूसरा मन कह रहा है ये वॉन्ट पकड़ो ठीक है एक वॉन्ट एक मन कह रहा है ये वाली बॉन्ड अच्छी है दूसरा मन कह रहा है ये वाली बॉन्ड अच्छी है ठीक है यहाँ भी आपके आपको लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है ठीक है क्लैरिटी की बड़ी कमी है ठीक है या फिर ऐसा है ना कि इस पर्सन का आप देख सकते हो ना डुअल फेस है और दोनों हाथ इस पर्सन के एक एक बॉन्ड को पकड़े हुए हैं और जिंदगी आपसे कहती है कि एक चीज़ चुनो और दूसरे को छोड़ दो हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है ठीक है और अगर दोनों चीज़ चाहिए तो फिर धैर्य रखो तब तक धैर्य रखो जब तक कि वो दोनों चीज़ अलाइनमेंट में ना आ जाए ठीक है तो यहाँ पर वही एनर्जी है तो आपके पास समय की भी बड़ी कमी रहती है आपके पार्टनर के पास क्योंकि उसके पास समय नहीं रहता वो कह रहा है कि समय के पहले ही सब कुछ अचीव करना है यहाँ पर फोर ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है उसके अलावा इस पर्सन को मतलब इस वक्त में मतलब ऐसा भी है परेशान करने वाले लोग भी इस वक्त में आस बड़े मौजूद हैं इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आ, आप जो बहुत आपको जज गलत किया गया है ठीक है उस वक्त में हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर्सन को भी जजमेंट दे रहे हैं ठीक है और इनको यकीन मतलब इनको पहले आप पे जो यकीन नहीं हुआ उस चीज को लेकर भी इस पर्सन के दिमाग में चीजें चलती रहती हैं पर अभी भी जैसे ना एक होता ना कि आप क्लैरिटी के साथ मान जाओ इस चीज को वो नहीं है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी कभी तो लगता है मैं सही हूँ कभी तो लगता है सामने वाला सही है ऐसी इस पर्सन की एनर्जी चल रही है ओ गॉड सी एंजल्स इस पर्सन को क्या गाइड कर रहे हैं इस वक्त में यहाँ पर ना यहाँ भी आपको दो फेसेस नज़र आ रहे होंगे ठीक है इस पर्सन के अंदर डुलेटी बहुत है जमनाई की एनर्जी भी है मैंने बोला था द आंसर्स यू नीड आर कमिंग इस पर्सन को आंसर चाहिए कि इस पर्सन के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है ठीक है आंसर जिन इस पर्सन को देने के लिए तैयार है लेकिन इस पर्सन का जो प्राइड है वो आंसर को सही सेलेक्ट नहीं कर पाता या सुन नहीं पाता डोंट लेट प्राइड गेट एन यू और वे आपके पर्सन लियो हो सकते हैं इनके अंदर बहुत घमंड है ठीक है और अगर इनसे कोई दूसरी तरीके की सलाह दी जाती है इस पर्सन को या फिर इस पर्सन की बुद्धि के खिलाफ जाकर इस पर्सन को कुछ करने के लिए कहा जाता है तो ये कर ही नहीं पाते हैं या फिर कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ईगो बहुत हाई है प्राइड बहुत ज़्यादा इस पर्सन को है ठीक है तो इस पर्सन की अभी परेशानी का कारण ये खुद है और कोई नहीं है मेडिटेट मेडिटेटन कंटम्पलेट इसीलिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो थोड़ा दिमाग शांत होगा दिमाग शांत होगा तो एक सही डिसीजन बना पाओगे नहीं तो घूमते रहो ऐसे ही ठीक है अब ऐसे आपको भी घुमाएगा ये पर्सन ठीक है क्योंकि खुद ही घूम रहा है तो आप भी घूमोगे इसके साथ ये एनर्जी निकल कर आ रही है लेट्स सी कि गाइस अल्फाबेट्स क्या है यहाँ पर इस पर्सन की एज ट्वेंटी एट हो सकती है मैसेज मैसेज ये आपको भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर जे यू भी निकल कर आया है ठीक है ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं आज के दिन में ट्वेंटी एट इस पर्सन की एज हो सकती है ये चीज नजर आ रही है आपसे कितना रेजोनेट कर रही मुझे है मुझे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू गाइस